दोस्तों ये कहानी है बिल्लू शिकारी नाम के एक सनकी साइंटिस्ट के बारे में, जो अपनी दिमाग की चूल को मिटाने के लिए एक ऐसा जमाल घोटा तैयार करता है जिससे वो किसी भी जानवर और इंसानों को गायब कर सकता है। लेकिन गायब हुए उस जीव को फिर से अपनी पिछली अवस्था में लाना उसके लिए अभी भी बहुत मुश्किल था। वो 11 महीनों तक कड़ी तपस्या करके इस फॉर्मूले को तैयार कर लेता है, जिसके बाद एक जानवर के ऊपर वो इस एक्सपेरिमेंट को करता है और इसमें वो कामयाब होता है। लेकिन आगे जब इस एक्सपेरिमेंट को वो अपने ऊपर करता है तभी वो गायब होने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो अपनी पिछली अवस्था में नहीं आ पाता, जिससे उसके दिमाग का भंग घोसड़ा हो जाता है और उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगता है और वो इस एक्सपेरिमेंट के मजे लूटने लगता है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक नटखट साइंटिस्ट बिल्लू शिकारी को देखते हैं, जो अपने घर पर गायब हुए जीव को कैसे अपनी पिछली अवस्था में लाया जाए इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। तभी वो खिड़की के पास वाले रूम में एक लड़की को देखता है, जो रूम में आते ही अपनी ब्रा और कच्छी उतारने लगती है। इसी बीच वो लड़की घर की लाइट्स को बंद कर देती है और बिल्लू शिकारी उसकी आखिरी झलक तक नहीं छोड़ता। तभी बिल्लू शिकारी के दिमाग में एक आईडिया आता है और वो कंप्यूटर के सामने जाकर उस फॉर्मूले को तैयार कर लेता है जिससे गायब हुए लोगों को वो वापस ला सके। दूसरी तरफ हम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा को देखते हैं, जो डेविड नाम के एक आदमी के साथ मौज कर रही थी। तभी उसे बिल्लू शिकारी वीडियो कॉल करता है, जिस वजह से लिंडा उससे कहती है, बिल्लू तुम्हें पता है अभी रात के कितने बज रहे हैं? जिसमें बिल्लू शिकारी कहता है, तुम्हें पता नहीं लिंडा, सोना वक्त की बर्बादी है, इसलिए महान लोग कभी नहीं सोते। और लिंडा, मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ, मैंने उस जमाल घोटे को बना लिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिंडा और डेविड भी उसी के साथ इस रिसर्च में काम करते हैं और बिल्लू शिकारी उनका बॉस है। बिल्लू शिकारी तुरंत सभी को रिसर्च सेंटर आने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस जमाल घोटे को उसी रात इजाबेल नाम के एक चिंपांजी के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता था। खैर, कॉल खत्म करके लिंडा डेविड के पास जाकर उसे भी ये बात बताती है। यहाँ पर वो दोनों अलग अलग होकर रिसर्च सेंटर जाने का फैसला करते हैं, ताकि बिल्लू शिकारी को उन दोनों के नाजायज रिश्ते के बारे में कुछ भी पता ना चल सके। थोड़ी देर में उसके सभी टीम मेंबर्स मुंह उठाकर रिसर्च सेंटर पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि उस रिसर्च सेंटर में जानवर के तबीले की तरह बहुत सारा जानवर था जिनके ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। डेविड वहां पर एक गायब हुए चिंपांजी को इंजेक्शन देने के लिए जाता है, पर तभी वहां पर वो चिंपांजी उसे घायल करके पिंजरे से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद डेविड और बिल्लू शिकारी दोनों मिलकर थर्मल ग्लास पहनकर उस चिंपांजी को किसी तरीके से पकड़कर बेहोश करते हैं। तभी सेरा नाम की एक लड़की, जो कि जानवरों की डॉक्टर थी, वो वहां पर आकर बिल्लू शिकारी को उस चिंपांजी के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करने से मना करती है, क्योंकि बिल्लू शिकारी ने बस अभी अभी उस जमाल घोटे को तैयार किया था। यहाँ पर बिल्लू शिकारी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उस चिंपांजी को बेड पर बेहोश करके बांधने के लिए कहता है, जिसके बाद वो उस जमाल घोटे को एक इंजेक्शन में डालकर गर्म करता है और फिर उस चिंपांजी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। अब कुछ ही देर में उस चिंपांजी के ऊपर उस जमाल घोटे का असर दिखना शुरू हो जाता है और दर्द के मारे उस चिंपांजी की फटकर 464 हो जाती है। उसका हार्ट बीट से लेकर सब कुछ पहले बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और फिर धुक धुक करके कम हो जाता है। वो लोग सोचते हैं कि ये चिंपांजी तो निकल लेगा, इसलिए बिल्लू शिकारी उस चिंपांजी को इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए कहता है। अब इस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कुछ ही देर में वो चिंपांजी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है। आगे वो लोग इस खुशी का जश्न मनाने के लिए पार्टी करते हैं, लेकिन बिल्लू शिकारी को पार्टी करने का थोड़ा भी मन नहीं था, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में बहुत अकेला था। इसलिए वो बाहर आकर अकेला ही एक जगह पर खड़ा हो जाता है, तभी उसके पास लिंडा आती है। बिल्लू शिकारी उससे कहता है कि उसकी जिंदगी का मकसद ये एक्सपेरिमेंट था और अब ये एक्सपेरिमेंट भी कामयाब हो गया है। साथ ही साथ वो लिंडा को उसके साथ बिताए हुए उन लम्हों को सुनहरा लम्हा बताता है और उसकी चुम्मी लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन लिंडा उसे उसकी चुम्मी लेने नहीं देती और उसका मन फिसलते फिसलते बच जाता है। खैर, इसके बाद अगले दिन बिल्लू शिकारी US मिलिट्री के एक मीटिंग में जाता है। दरअसल इंसानों को गायब करने का ये प्रोजेक्ट US गवर्नमेंट का था और उन्होंने ही बिल्लू शिकारी को ये प्रोजेक्ट दिया था। यहाँ पर बिल्लू शिकारी सभी ऑफिसर को अपने इस एक्सपेरिमेंट का मूल मंत्र बताने के बजाय उनसे झूठ कहकर कहता है कि उसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए और कुछ वक्त चाहिए। अब उसकी इस बात से पहले तो वो सभी ऑफिसर्स उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन आगे उन्हें उसकी बात मानना पड़ता है और वो लोग उन्हें और कुछ वक्त दे देते हैं। मीटिंग से बाहर आते ही लिंडा और डेविड उससे पूछता है, बताओ तुमने सरकारी ऑफिसर्स को क्यों झूठ कहा? जिसमें बिल्लू शिकारी कहता है, देखो यार, अगर मैं सबको बता देता कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो चुका है तो वो लोग हमें इस प्रोजेक्ट से निकाल देते, क्योंकि उन्हें अब हमारी जरूरत नहीं पड़ती और वैसे भी अब हमें इस प्रोजेक्ट का आखिरी पड़ाव यानी इसे इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। अब इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की बात को सुनते ही लिंडा और डेविड की फटकर हाथ में आ जाती है और वो लोग उसे ये करने से मना करते हैं, लेकिन बिल्लू शिकारी उनकी एक भी बात नहीं सुनता और खुद के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करने का फैसला करता है। आगे वो रिसर्च सेंटर आकर सभी लोगों को झूठ कहकर कहता है कि सरकार ने उसे अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए परमिशन दे दिया है, जो सुनकर सेरा को उसकी बातों
पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट सरकार कैसे इंसान के ऊपर करने के लिए परमिशन दे सकता है। खैर, कुछ देर बहस होने के बाद उन सभी को बिल्लू शिकारी की बात मानना पड़ता है। आगे बिल्लू शिकारी मुंह हाथ धोकर उस बिस्तर पर जाकर लेट जाता है जहां पर उसके ऊपर उस जमाल घोटे को इस्तेमाल किया जाने वाला था, जिसके थोड़ी देर बाद उस गर्मा गर्म जमाल घोटे को उसके अंदर डाल दिया जाता है और उसके अंदर उस जमाल घोटे का असर दिखना भी शुरू हो जाता है। अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को करने की वजह से उसे बहुत दर्द होता है और उसकी फटकर हाथ में आ जाती है, लेकिन आखिर तक उसका यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और वो गायब होने में कामयाब हो जाता है। अब वो गायब तो हो चुका था, लेकिन दर्द की वजह से वो अपने होश में नहीं था और वो अगले दिन होश में आता है। यहाँ पर वो लिंडा से कहता है कि गायब होने की वजह से वो ठीक से नहीं सो पा रहा है, लेकिन अभी वो बिल्कुल ठीक है। आगे लिंडा उसे एक रूम में शिफ्ट कर देता है जहाँ पर थर्मल कैमरा लगा हुआ था, जिसके जरिए वो लोग बॉडी टेम्परेचर की मदद से बिल्लू शिकारी के ऊपर नजर रख पाएंगे। अब बिल्लू शिकारी उस रूम में जाकर सो जाता है और वो सभी सेरा को रिसर्च सेंटर में बिल्लू शिकारी के ऊपर नजर रखने के लिए कहकर वहाँ से चले जाते हैं। बिल्लू शिकारी दरअसल एक ठरकी किस्म का साइंटिस्ट था, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाता है और सेरा जब गहरी नींद में सो जाती है तभी वो उसकी चूचिया दबाकर अपने रूम में वापस चला आता है। सेरा को इस चीज से पहले काफी मजे भी आ रही थी, लेकिन बाद में उसकी फटी पड़ी हुई थी, इसीलिए वो सीसीटीवी को चेक करती है, पर तब तक बिल्लू शिकारी अपने बिस्तर पर जा चुका था। खैर, अगले दिन वो ये बात लिंडा और डेविड को बताती है और वो कहती है, लिंडा तुम्हें पता नहीं, कल रात जब मेरी आंख लग गई थी तभी किसी अनजान आदमी ने मेरी चूचिया दबाई। मुझे लगा कि वो बिल्लू शिकारी है, इसलिए मैंने सीसीटीवी को भी चेक किया, लेकिन उसमें बिल्लू शिकारी तो सो रहा था। दूसरी तरफ हम उनके और एक साथी को देखते हैं जो जब टट्टी करने के लिए जाती है तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे बिल्लू शिकारी बाथरूम में ही मौजूद है, इसीलिए वो थर्मल ग्लास पहनकर टट्टी करती है ताकि बिल्लू शिकारी उसे टट्टी करते हुए ना देख ले। खैर, आगे दो दिन गुजर जाता है और वो दिन आ ही जाता है जब बिल्लू शिकारी को फिर से अपनी पिछली अवस्था में लाया जाएगा। उसके अंदर फिर से गर्मा गर्म जमाल घोटे को इंजेक्ट किया जाता है, जिसका असर तुरंत उसके अंदर दिखना भी शुरू हो जाता है। उसका शरीर इस एक्सपेरिमेंट की वजह से दर्द से तड़पने लगता है और 90% इंसानी रूप में आने के बाद फिर से वो गायब हो जाता है और उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। अब क्योंकि बिल्लू शिकारी एक नंबर का ठरकी था और वो गायब हुआ पड़ा हुआ था, इसलिए उन सभी को इस बात का डर था कि बिल्लू शिकारी जरूर उन सभी को पेंटिंग में देखने के लिए आएगा, इसीलिए वो लोग बिल्लू शिकारी के लिए एक मास्क बनाते हैं। रात को बिल्लू शिकारी को उस कमरे के अंदर बहुत घुटन महसूस हो रहा था और वो बहुत परेशान भी था, इसलिए वो वहाँ से अपने घर जाने लगता है। हालांकि उसका और एक साथी जो उसके ऊपर नजर रख रहा था वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बिल्लू शिकारी उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर वो फिर से अपने पास वाले कमरे में मौजूद लड़की को कपड़े बदलते हुए देख लेता है और तभी उसके शैतानी दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो अपनी मास्क और कपड़े उतार कर यानी गायब होकर उस लड़की के रूम में जाता है और उसकी खड़े खड़े ले लेता है। दूसरी तरफ रिसर्च सेंटर में सभी लोग बिल्लू शिकारी के वहाँ से जाने की वजह से बहुत परेशान थे और वो लोग थर्मल ग्लास और बेहोश करने वाली बंदूक को लेकर बिल्लू शिकारी को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में बिल्लू शिकारी अपना थैला लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और उन सभी से कहता है कि वो बस कुछ सामान लेने के लिए घर गया था। खैर, उसी रात लिंडा जब सो रही थी तभी वो सपने में देखती है कि कोई उसकी पैंटी उतारने की कोशिश कर रहा है। वो सोचती है कि ये काम जरूर ठरकी बिल्लू शिकारी का होगा, इसलिए वो तुरंत रिसर्च सेंटर में कॉल लगाती है, लेकिन बिल्लू शिकारी रिसर्च सेंटर में ही था और ये तो बस लिंडा का एक सपना था। अगले दिन बिल्लू शिकारी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो सीसीटीवी कैमरे को लूप मोड में छोड़ देता है, जिससे सीसीटीवी में सिर्फ उसकी पुरानी फुटेजेस दिखाई देने लगता है। आगे वो मुंह उठाकर लिंडा के घर पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि लिंडा तो डेविड के साथ गुलछड़े उड़ा रही थी। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि लिंडा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए वो वहां के एक शीशे को तोड़कर वहां से चला जाता है। इधर लिंडा भी टूटे हुए शीशे को देखकर समझ चुकी थी कि ये काम जरूर बिल्लू शिकारी का ही होगा, इसीलिए वो तुरंत रिसर्च सेंटर में कॉल लगाती है, पर रिसर्च सेंटर के लोग सीसीटीवी को देखकर कहते हैं कि बिल्लू शिकारी अभी तो रिसर्च सेंटर में ही है। लिंडा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो बिल्लू शिकारी को चेक करने के लिए जाती है। रिसर्च सेंटर पहुंचकर उसे बिल्लू शिकारी बिस्तर पर नहीं मिलता और वो देख लेती है कि बिल्लू शिकारी ने सीसीटीवी में छेड़खानी किया है। अब क्योंकि बिल्लू शिकारी गायब होकर उन सभी को परेशान कर रहा था, इसलिए लिंडा और डेविड फैसला करते हैं कि वो लोग ये बात यूएस आर्मी चीफ को बता देंगे, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बिल्लू शिकारी के हाथों में सौंपा था। आगे वो दोनों मुंह उठाकर यूएस आर्मी चीफ के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। यहाँ पर चीफ उन्हें दिलासा देते हैं कि वो कल इसके बारे में मीटिंग में बात करेंगे, जिसके बाद लिंडा और डेविड वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों के वहाँ से जाते ही बिल्लू शिकारी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो आर्मी चीफ को जान से मार डालता है। अगले दिन लिंडा और डेविड को जब आर्मी चीफ के मौत के बारे में पता चलता है तभी वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। वो लोग इस प्रोजेक्ट के बाकी सारे मेंबर्स को ये बात
बताने की कोशिश करते हैं कि बिल्लू शिकारी पागल हो गया है, लेकिन तब तक टेलीफोन के वायर्स को किसी ने काट दिया था। वो लोग वहाँ से निकलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्लू शिकारी ने उस रिसर्च सेंटर के सभी दरवाजे को लॉक कर दिया था, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल नहीं पाते। आगे वो लोग थर्मल ग्लास पहनकर बिल्लू शिकारी को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बिल्लू शिकारी तो पागल हो गया था, इसलिए वो एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। अब एक एक करके अपने सभी साथियों को मरते हुए देखकर वो लोग घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि बिल्लू शिकारी अब उनका दोस्त नहीं रहा। यहाँ पर बिल्लू शिकारी एक एक करके उन सभी को जान से मार डालता है और सिर्फ लिंडा और डेविड ही बचे रहते हैं। उन दोनों को भी वो एक फ्रीजर रूम में बंद कर देता है, जहाँ का टेम्परेचर भी -30 डिग्री तक पहुँच जाता है। डेविड की तबीयत यहाँ पर बहुत खराब होने लगता है, पर लिंडा हाल नहीं छोड़ती और वो किसी तरीके से उस फ्रीजर रूम का दरवाजा खोल लेती है। दूसरी तरफ बिल्लू शिकारी उस रिसर्च सेंटर को तबाह करने के लिए जमाल घुटे से बना हुआ एक बम तैयार करता है और उसे 5 मिनट के टाइमर पर छोड़ देता है। अब वो जब वहाँ से निकल रहा था, तभी वहाँ पर लिंडा पहुँच जाती है और वो बिल्लू शिकारी के ऊपर आग से हमला कर देती है। इस आग की वजह से वहाँ पर मौजूद फायर अलार्म से पानी गिरने लगता है, जिससे लिंडा बिल्लू शिकारी को देख पाती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ देर तक हाथापाई होता है और आखिर में डेविड वहाँ पर आकर बिल्लू शिकारी को मारकर बेहोश कर देता है। अब क्योंकि वो रिसर्च सेंटर कुछ ही सेकंड के अंदर तबाह होने वाला था, इसलिए वो दोनों बिल्लू शिकारी को वहीं पर ही छोड़कर लिफ्ट के ऊपर से होकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि बिल्लू शिकारी अभी तक मरा नहीं था और वो उनके पीछे पीछे आने लगता है। यहाँ पर वो लिंडा को लेकर लिफ्ट के ऊपर गिर जाता है और उसे आखिरी बार के लिए किस करने के लिए कहता है। लिंडा यहाँ पर बड़े ही चालाकी से उसे किस करती है और लिफ्ट की रस्सी को पकड़ लेती है, जिससे वो लटक जाती है और लिफ्ट के साथ बिल्लू शिकारी उस धमाके में गिरकर मारा जाता है। आगे वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर रेस्क्यू टीम उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।